Yes, Chief. वेस्ट से इंफॉर्मेशन आई है कि वहाँ हेरोइन की डिमांड बढ़ गई है। हम डिमांड पूरी करेंगे जी, बस मुंशी की कोऑपरेशन की जरूरत है। मैं तो आपका गुलाम हूँ सरकार, वक्त पड़ा तो इस पहाड़ के तमाम इंसानों को खोखला करके उनमें हेरोइन भरवा दो। बहरहाल आप फिक्र ना करें, ऐसे बीमों की जितनी भी जरूरत पड़ी भिजवा दूंगा। गुड शरफ, मुंशी को पेमेंट कर दो और इसकी आंखों पर पट्टी बांध कर इसे वापस जाने वाले रास्ते पर भिजवा दो और बीम को इसकी मंजिल की तरफ रवाना कर दो। लौटर आ चुके। ओके जी। क्या कहा? लकड़ी की एक बीम फिर कम पहुंची है। हमारी समझ में नहीं आता कि पिछले चंद दिनों से आपके पास माल कम क्यों पहुंच रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने आपके ड्राइवर के सामने गिनती करवाई थी सेठ साहब, इस बार फिर लकड़ी पूरी नहीं थी, एक बीम कम था। मैं चेक करता हूं गलती कहां से हुई है, पहाड़ पर या रास्ते में। बहरहाल आप बेफिक्र रहें, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगा। सब क्या हो रहा है बेटा? क्या हुआ डैडी? जेहलम के डीलर ने एक बार फिर शिकायत की कि उसके पास लकड़ी की एक बीम कम पहुंची। तुम कुछ दिन हुए पहाड़ पर से लौटे हो, क्या तुमने इस बारे में कोई छानबीन की? जी हाँ, मुंशी ने मुझे इस बारे में मुतमइन कर दिया था कि हमारा माल पूरा जाता है। अपने कारोबार को मुंशी की आंख से नहीं अपनी आंख से देखो। लेकिन डैडी, मुंशी तो हमारा बहुत पुराना आदमी है। मगर पुराना आदमी नई कीमत पर बिक भी सकता है। तुम फौरन पहाड़ पर पहुंचो और देखो हमारे कारोबार का दुश्मन कौन है। बहुत बेहतर डैडी, मैं आज ही चला जाता हूं। और हाँ, ये मजदूरों की तनख्वाहें भी लेते जाओ जी। और एक बात का ख्याल रखना, अगर किसी की तरफ एडवांस हो तो फौरन काट लेना। ओके डैडी। अरे भाईजान, इतने सारे रुपए? डैडी से तुझे भी मिल सकते हैं, आज डैडी बड़े मूड में है, मिल लो। हाँ डैडी, आज मुझे भी 2000 रुपए दीजिए। 2000 रुपए? उशरा बेटे, इतने ढेर सारे रुपए लेकर तुम क्या करोगी? अरे वाह, भाईजान को तो आपने इतने सारे रुपए दिए, उनसे तो कुछ पूछा नहीं। अरे बेटा, वो तो पहाड़ पर जा रहा है, उसे मजदूरों को तनख्वाह देनी। डिपार्टमेंट, आज शमा काम पे नहीं आई। शमा कह रही थी शहर से फोन आया है, छोटे बाबू आने वाले हैं। समझा, बड़ा आदमी जरा हंस के बोले तो छोटा आदमी अपने आप में नहीं रहता। छोटे साहब ने उसे जरा सा मुंह क्या लगा लिया मुंशी जी, वो तो हवा में उड़ी उड़ी फिरती है। Thank you.
कहता है कान का पाला, मैं लोट बोट हो जानिया। कुछ कहता है कान का पाला, मैं लोट बोट हो जानी। रह रह के मनाओ इसको, कैसे समझाओ इसको, तुम बख रहे नखरे बाला। कुछ कहता है कान का पाला, मैं लोट बोट हो जानी। डिस्पेंसरी लेकर जाता हूं। चलो हटो 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 चलिए। डॉक्टर साहब खुदा के लिए मेरे आदमी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब आप इतनी नान रखें, बैठे, सब ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, ये मेरे फॉरेस्ट साइड पर कटाई का काम कर रहा था कि गिरते हुए दरख्त की जद में आकर जख्मी हो गया। जाफर, पहले ये जख्म साफ करके पट्टी कर दो। इसके इलाज पर जो खर्च होगा मैं दूंगा। डॉक्टर साहब, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होगा, यहां मुफ्त इलाज होता है। फिर भी डॉक्टर साहब, अगर कुछ दवाइयां शहर से लानी हो तो लिख दीजिए, मैं मंगवा देता हूं। यहां सब दवाएं मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यू आर ग्रेट। गरीबों के इलाज के लिए जो कार्य खैर आप कर रहे हैं उसमें मैं भी हिस्सा लेना चाहता हूं। मैं आपकी डिस्पेंसरी को कुछ डोनेशन देना चाहता हूं। शुक्रिया, ये खैराती डिस्पेंसरी नहीं, नजरियाती डिस्पेंसरी है और मेरे बाप दादा की छोड़ी हुई बेपनाह दौलत से चल रही है।
मैंने ये पेशा इंसानियत की खिदमत के लिए अपनाया है। बाबा जी खुदा के लिए मुझे एक सिगरेट दे दो, सिगरेट दे दो खुदा के लिए, एक सिगरेट दे दो। जाफर एक सिगरेट। कल जो इंजेक्शन इसे लगाया था फौरन लगा दो। डॉक्टर साहब इस आदमी को क्या बीमारी है? ये आदमी हेरोइन पीता है। डॉक्टर साहब ये सीधे साधे लोग भी इसकी जद में आ रहे हैं। न जाने कौन मुल्क दुश्मन और इंसानियत कुश लोग हैं जो इन मासूम लोगों की जिंदगियों में जहर घोल रहे। नहीं मालूम यह कमबख्त हेरोइन कहां से चलती है और इन हंसते बसते शहरों में मौत के अंधेरे फैलाती कहां तक पहुंच रही है। खबर खामोशी से बैठे रहो, अगर आवाज निकाली तो जान से मार दूंगा। उतरो हराम खोर। क्या बात है? ये इससे पूछो, कई दिनों से हमारी लकड़ी चोरी हो रही है। तो क्या ये चोर है? चोरी तो बहुत छोटी चीज होती है इंस्पेक्टर साहब, ये लोग हमारी लकड़ी की बीम में हीरोइन की स्मगलिंग करते हैं। ये इंसानियत के कातिल हैं। विकार बाबू ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और बकवास मत करो, ले जाओ इसे, बंद करो इसे। हमारा माल पकड़ा गया है चीफ, और मालका को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कल उसे अदालत में पेश कर रही है, अगर उसने अपनी जबान। डोंट वरी शराफ, इससे पहले कि अदालत में उसकी जबान खुले, उसकी जबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। शराफ। यस चीफ। नंबर 9 को अभी काम के लिए रवाना कर दो। ओके जी। सर क्या बात है? मुल्जिम ने हवाला पे दम तोड़ दिया। ओह नो। आओ मेरे साथ, ताला खोलो। ये सिगरेट इसके पास कहां से आया? सर पता नहीं। इसकी मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश लगती है। यूं लगता है जैसे इस इलाके में कोई बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है। मुझे इसकी रिपोर्ट ऊपर करना पड़ेगी। बहरहाल तुम लोग इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का इंतजाम करो। अरे आप बेहतर सर। मालिका को हवालात में खत्म कर दिया है चीफ, और उसकी जबान कुछ कहने से पहले ही बंद कर दी गई है। वेल डन, वेल डन शरफ।
ढूंढने के और भी बहाने हो सकते हैं। क्यों हम पर 302 का केस करवाना चाहती हूँ खुल खुला के? भैया मेरी मदद करो, मुझे जल्दी से थाने ले चलो, वो बदमाश मेरे बिकी बाबू को मार डालेंगे। भाई भी कहती हो और किसी दूसरे की मदद भी मांगती हो, कभी हंसाती हो कभी रुलाती हो। आओ मेरे साथ डॉक्टर। चलो कब्रानी जगह लौट करा लेना और रंगीला जसूस आ गया जे। विकी, 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 ये तुम्हें क्या हो गया? विकी, ये तुम्हारा खाना खोलने वाले कौन थे? तुम्हें क्या हो गया, तुम बोलते क्यों? घबराओ नहीं बहन, इसे कुछ नहीं होगा। ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे? एक स्मगलर के कारिंदे जो इस इलाके में हीरोइन स्मगलिंग करते हैं। ओह, आई सी। चलो दोस्त, पहले तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर जी, विकी बाबू को बहुत चोट लगी है, इनको देखिए, ये देखिए, कुछ कीजिए, बहुत खून बह गया। जाफर, ये खून साफ करो, ड्रेसिंग में खुद करूंगा। डॉक्टर जी, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन शमा, ये जख्मी कैसे हुआ? पता है क्या डॉक्टर जी, मैं ना कुछ लोग इस इलाके में हीरोइन की स्मगलिंग का कारोबार करवाते हैं। पिछले दिनों वकार साहब ने उनका एक आदमी गिरफ्तार करवा दिया था। ये हमला उसी दुश्मनी का नतीजा है डॉक्टर साहब। वो तो खुदा का शुक्र हुआ कि मेरे ये दो भाई मौके पे पहुंच गए, वरना तो न जाने क्या हो जाता। आपकी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने इसको इतना लंबा बनाया, मुझको इसका दोस्त बनाया, हम दोनों ने वकार को बचाया, शमा ने हमको भाई बनाया और गुंडो ने हमको बहुत सताया। डॉक्टर साहब, इसे शाहीन कहते हैं और मुझे मुसर्रत, यानी कि मुसर्रत शाहीन। काफी दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। फिर पाप इलाज के पैसे नहीं लेंगे। शाहीन भैया, देखो तुमने मुझे बहन बनाया है, और याद रखना बहन भाई का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, यानी कि लोहे तोड़ होता है। आप शरीफ आदमी हैं वकार, इन लोगों की दुश्मनी अच्छी नहीं होती, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। मैं उनसे ज्यादा खतरनाक हूँ डॉक्टर साहब। वो जालिम मजलूमों को रुलाते हैं और मैं उन्हें हंसाता हूं। वो तो शक्ल से जाहिर। विकी बाबू, तुम ठीक तो हो ना? कोई कारी जरबें तो नहीं आई? चलो उठो, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ के आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो दुश्मन अनासर गैंग फिर तुम पर अटैक ना कर दे, और अगर उन्होंने अटैक किया तो भाई गॉड आई विल शूट। डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं, जख्म ताजा है ना, इसलिए दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। शाहीन, अब तुम और आशिक भी ऊपर वाले कमरे में जाकर आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो चौकीदार को बता देना। शमा, अब तू भी घर जा, बहुत देर हो गई है। चलो शमा बहन, मैं तुम्हें घर छोड़। अपना ख्याल रखना विकी बाबू, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो ना तो चौकीदार को भेज के मुझे बुला लेना। अरे तू क्यों मेरे बारे में इतना परेशान होती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जा, अब तू घर जा, और देख बाबा को मेरे जख्मी होने के बारे में कुछ ना बताना, वो परेशान होकर मुझे देखने चले आएंगे, वो बेचारे तो खुद बहुत बीमार हैं। कब तक इस बीमारी से लड़ते रहोगे फजलू? कल कलां को मर गए तो शमा बेचारी बेसहारा रह जाएगी। अब भी वक्त है, कहीं इस बेचारी के हाथ पीले कर डालो। कैसे कर दू मुंशी जी, कोई अच्छा लड़का भी तो मिले। लड़का
लड़कों की क्या कमी है फजलू बाबा, जरा सा खिजाब लगाकर आड़ी मांग निकाल कर बाहर निकलूं तो दूर से लड़का ही नजर आता हूँ। तू रिश्ता करेगा शमा से, बेटी से ब्याह करेगा, शर्म नहीं आती तुझे? अब अगर ऐसी कोई बात की तो जुबान खींच लूंगा तेरी। आखिरी दमों पे भड़का नहीं करते फजलू चाचा, जिस घर में बेरी हो पत्थर तो आया ही करते हैं। पत्थर छोटा क्या और बड़ा क्या? किसको पत्थर मार रहे हो मुंशी चाचा? आचा, पत्थर किसको मारना है शमा, तुम्हारी शादी की बात कर रहा था, इसको परवाह ही नहीं। तुम कितने बेशर्म हो मुंशी चाचा। इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है शमा, शादी तो तुमने करनी ही करनी है। मेरे रिश्ते की बात भी तो तुम्ही ने करनी है, आखिर तुम भी तो मेरे बाप की जगह मुंशी चाचा। जाने दे इस अकल के अंधे को, जाने क्या उल्टी स्थिति बकता रहता है। बेटी तू रेस्ट हाउस गई थी? हाँ गई थी बाबा, बड़े खान साहब बहुत दिनों बाद आएंगे। अच्छा है कुछ दिनों बाद ही आए। बिछड़ा बेटी कहाँ जा रही हो? मैं जरा घूमने जा रही हूँ डैडी। अभी तो आई हो, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर आराम करो। नहीं डैडी, इतने दिनों बाद तो पहाड़ पर आई हूँ, मैं एक राउंड लगा के अभी आ जाती हूँ। बड़ी जिद्दी लड़की है, बेकार अंदर है ना? जी वो सो रहे हैं। इस वक्त सो रहा है? जी वो जख्मी हो गए थे ना। जख्मी हो गए थे? वो जख्मी कैसे हुआ? टू थ्री फोर। कौन हो तुम? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, मुझे शाहीन कहते हैं। तुम्हें जो कुछ भी कहते हैं, लेकिन ये तुम सर के बल क्यों खड़े हो? मेरी मर्जी, अगर मैं चीख मार कर पंखे से लटक जाऊं या कानों से धुआं निकालूं तब भी आपको क्या इतराज है? अजीब आदमी हो तुम, मैं पूछ रहा हूं कि अजीब है आप। ये भी कोई तरीका है कि मुंह उठाया और अंदर चले आए? किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। मैं आई कम इन सर? तो ये घर आपका है सर? जी नहीं, आपका है। खुद भी रहिए, फैमिली को भी लाइए और हनीमून मनाइए। हम तो बेवकूफ थे कि 30 लाख रुपए खर्च किए हैं इसके बनाने पर। 30 लाख रुपया खर्च किया है तुमने? मेरी पर्सनैलिटी से अंदाजा नहीं हो रहा आपको क्या? मैं शक्ल से भिखारी नजर आ रहा हूं। आई एम दी ऑनर ऑफ दिस हाउस, अंडरस्टैंड? अब आप चलते फिरते नजर आए, यहां कोई कमरा किराए के लिए खाली नहीं है। क्या कहा? मैं किराए पर आऊंगा यहां। तो क्या खरीदेंगे? 30 लाख रुपए देखे हैं कभी? अबे मत, मैं मालिक मकान हूं, बेकार का बाप। बेकार का बाप? नहीं, तुम्हारा भी बाप। अरे अरे, क्या हुआ डैडी? कौन है ये खबीस? ये मेरा दोस्त है शाहीन, और शाहीन ये मेरे डैडी हैं। जी बड़ी परेशानी हुई आपसे मिलकर। शराब। थैंक यू, माफ कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। डैडी, शाहीन की बात का बुरा मत मनाइएगा, ये बड़ी जौली तबीयत का लड़का है, यही पहाड़ पे मेरा दोस्त बना था और मैंने इसे ऊपर वाले कमरे में ठहरा दिया है। ठीक है ठीक है, ये बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी? डैडी, एक ग्रोह हमारे कारोबार की आड़ में हीरोइन की स्मगलिंग करता है। मैंने उस ग्रोह के एक आदमी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। ये उसी दुश्मनी का नतीजा है। तुम आराम करो,
मैं एसपी साहब से खुद बात करूं। ओके ओके डैडी। बख्शू बख्शू जी आया खान साहब। शाहीन का सामान ऊपर वाले कमरे से नीचे ले आओ। जी जी बेहतर। और बुशरा बेटी का सामान वहां रख दो। जी बहुत अच्छा। तुम्हारी हालत अब बहुत संभल गई है, फिक्र की कोई बात नहीं। बस सीने पर एक बोझ सा लगता है डॉक्टर बेटा। वो भी उतर जाएगा, बस दवा पीते रहना। और अगर खुदा न खास्ता इससे आराम ना आया तो मैं तुम्हें अपने खर्च पर शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भिजवा दूंगा। तुम इंसान नहीं डॉक्टर, फरिश्ता हो। सारी बस्ती का मुफ्त इलाज करते हो, घर घर जाकर मरीजों का हाल पूछते हो। खुदा तुम्हें इसका सिला जरूर देगा। तुम्हारी मेहरबानी है फजलू बाबा जो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, वरना मैं क्या हूँ, एक गुनाहगार इंसान। डॉक्टर जी दूध पी लो, मीठा कम हो तो शक्कर और डाल देती हूँ। ये दूध पीने का वक्त नहीं है शमा। अरे पगली, ये तो खाने का वक्त है। अच्छा बाबा, तो फिर खाना ले आती हो? नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर ये कौन पिएगा? अच्छा बाबा लाओ पी लेता। शुक्रिया। और हाँ शमा, सुबह डिस्पेंसरी आकर बाबा की दवा ले जाना, भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं भूलूंगी डॉक्टर जी, ये भी कोई भूलने वाली बात है। बाबा अब तुम बड़ी जल्दी ठीक हो जाओगे। हेलो डॉक्टर। हेलो, पहचाना आपने मुझे? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम उस दिन विक्की की पट्टी करवाने के लिए डिस्पेंसरी आए थे ना? जी जी। ओ यस। ये दुश्मन मेरे थे, आप खामखाई मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गए। कोई बात नहीं, डॉक्टर हूं इसलिए दूसरों की तकलीफ नहीं देख सकता। आओ डिस्पेंसरी चलते हैं, एक प्याली कॉफी पीते हैं। बहुत ही बुरा हुआ शेरू, डॉक्टर ने मुझे पहचान लिया। पहचान लिया है तो फिर उसका जिंदा रहना हमारी मौत है। तो फिर चलो, इससे पहले कि डॉक्टर किसी को बताए हम उसे खत्म कर देते हैं। ये बात नहीं समझ आई शाहीन, कि आज वो लोग मेरी जान लेना चाहते थे या तुम्हारी? उनका इरादा तो सिर्फ मेरी जान लेने का था, आज तो इत्तेफाक से उधर आ निकले। लेकिन उन लोगों को तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती? मेरी और वकार की दोस्ती वकार के दुश्मनों को कुछ अच्छी नहीं लगी। वो मेरी जान के दुश्मन सिर्फ इसलिए बने कि मैंने वकार की जान बचाई थी। फिर तो तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा, इसलिए कि जो दुश्मन आज नाकाम हो गया है वो कल कामयाब भी हो सकता है। डोंट वरी डॉक्टर, मैं अपनी हिफाजत करना खूब जानता हूं। ओके डॉक्टर। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चीफ,
चीफ, चीफ आप यहाँ? तुम यहाँ क्या देने आए हो? डॉक्टर को मारने के लिए। क्यों मारना चाहते हो डॉक्टर को? उसने हमें पहचान लिया था, उसका मरना जरूरी था। मगर ये हुक्म मैंने तो नहीं दिया था। हम अपनी वफादारी का सबूत देना चाहते थे चीफ। हमने सोचा था मुलाजिम जब मालिक बनकर सोचने लग जाए तो मालिक के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने मुलाजिम को अपना असली रूप और अपना असली चेहरा दिखा दे। चलाओ गोली, उठाओ बंदूक, डॉक्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, मगर नहीं, अब तुम डॉक्टर को नहीं मार सकते। जी, आप डॉक्टर भी हैं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए चीफ हूँ और इस दुनिया के लिए डॉक्टर। मैंने तुम्हें अपना असली चेहरा दिखा दिया है, अब तुम्हारी आंखों को इस दुनिया में और कुछ नहीं देखना। बंद कर लो ये आंखें, बंद कर लो ये आंखें, बंद कर लो ये आंखें। डिस्पेंसरी में चार लाशें पड़ी हैं, उन्हें उठाकर दरिया में फेंकाओ। जारी रहेगी। दिस इज माई प्रॉमिस सर। थैंक यू।
माल चाहे फजा से पहुंचे, समंदर से पहुंचे या जमीनी रास्तों से। यस सर, थैंक यू सो मच सर। क्या बात है शरफ? हमारे चार साथी गुम हो गए हैं चीफ। कौन से साथी? वही जो शाहीन को मारने गए थे। तो क्या वो मर गया? नहीं चीफ, वो अभी तक जिंदा है। तो फिर मारने वाले खुद मर गए होंगे। याद रखो शेरफ, जो वापस ना आए, जुर्म की दुनिया में उनका इंतजार नहीं किया जाता। अब तुम सिर्फ ये सोचो कि शाहीन जो हमारे रास्ते का पत्थर बन गया है, उसे कैसे हटाया जाए। घोड़ा घोड़े बेचकर सो रहा है। अबे ओ आशिक, ये कंबल तेरे बाप का नहीं है, ला थोड़ा मुझे भी दे। माफ कीजिए मैडम, ये बेड, ये कमरा तो मेरा है। मैं वकार का दोस्त हूँ। ये कमरा मेरा है और मैं वकार की बहन हूँ, समझे? अब तो सब कुछ आपका है, मैं बाहर चला जाता हूँ। आई एम सॉरी। बाहर बड़ी सर्दी है। तो मैं क्या करूं? एक कंबल दे दे। ये लो। शुक्रिया। अब क्या बाहर बर्फ पड़ रही है? नहीं, फर्श बहुत सख्त है। एक तकिया दे दीजिए। बस, क्या और कुछ? थैंक यू, थैंक यू। नो, अब क्या हुआ जी? वो मेरी चप्पल बेड के नीचे। आइए उठाइए और दफा हो जाइए। थैंक यू। तुम इस तरह नहीं मानोगे। बुशरा,
शाहीन, कौन थे ये लोग? तुम्हारे दुश्मन। लगता है तुम्हें अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने आए थे, लेकिन खुद भाग गए। मुझे अफसोस है उनमें से कोई पकड़ा नहीं जा सका। ये तो तुम्हारी हिम्मत थी कि वो भाग निकले, वरना इस वक्त यहाँ सूरत हाल कुछ और होती। हम तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखेंगे शाहीन। वकार, तुम सुबह मेरे साथ शहर चलो, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। नहीं डैडी, जब तक इंसानों की जिंदगियों से खेलने वाले ये दुश्मन खत्म नहीं हो जाते, मैं यही रहूंगा। डैडी, आप अंदर कमरे में जाके सो जाएं, बाहर बहुत सर्दी है। जी हाँ, बहुत सर्दी है। जवाब दो, तुम्हारे सार शर्मिंदगी के बोझ से झुके हुए क्यों हैं? तुम्हारे हाथों पर मेरे दुश्मन का लहू क्यों नहीं? जवाब दो, उसे मार कर आए हो या नाकाम वापस लौटे हो? हमने बड़ी कोशिश की थी चीफ, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। बचना तो अब तुम्हें भी नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए जिंदा छोड़ देता हूं ताकि फिर कभी मरने के काम आ सको। जाओ, मेरे रास्ते की दीवार अब तुम्हारे कमजोर बाजुओं से नहीं, मेरे मजबूत जहन की ठोकर से गिरेगी। जो रात मेरी जान बच गई। किस्मत तो मेरी भी बुरी नहीं है जिसे तुम्हारा प्यार मिल गया और साथ ही दूल्हे का यार भी मिल गया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जरा इधर हवा खाने आया हूँ। तो फिर जाइए, हवा खाइए। इधर की हवा जरा कुछ बहुत ही ताजी है। क्या बातें हो रही थी इनसे? उसे तुम्हें पता है मैंने ब्लैक बेल्ट लिए। कहाँ से? लंडे बाजार से। नहीं, जापान से। वो कुड़ी दी खातर अपने यार नु मार रहे है, ले हुन मार के देख। ले भाई हुन मार के देख। ले भाई जे प्योरा है ना ते हुन मार के फिर देख। जिन्ना तू लम्मा है उन्ना ही तेरे गिटियां चक ले। ये होता है जूडो कराटे का फायदा। अब हम आराम से बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे? तेरा बदन दिल मेरा तड़पाता है। चांदी जैसा तेरा बदन दिल मेरा तड़पाता है। मुझसे मिलते
लगी है, मुझको बचा लो। दरिया के पानी में जाके नहा लो। है आग लगी है, मुझको बचा लो। दरिया के पानी में जाके नहा लो। दरिया जल जाएगा, आशिक मर जाएगा। मिलन हमारा जरूरी है, कैसी ये दूरी है, आजा रे आजा। बता के तो जाओ, खुद को संभालो, होश में आओ। मेरा इलाज कुछ बता के तो जाओ। मेरा जी चाहता है इन दोनों को शूट कर दूं। दूसरे के जज्बात का कोई ख्याल नहीं। मेरे सामने ओपन एयर थिएटर चल रहा है। शहर जाने से पहले मैं तुझे डैडी से मिलाना चाहता हूँ। ना विकी बाबू ना, मुझे डर लगता है। अरे डर किस बात का, बस तू अच्छे से कपड़े पहनकर मेरे साथ चल। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि डैडी इनकार नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पास तो यही सबसे अच्छे कपड़े हैं जो तुम मेरे लिए शहर से लाए थे। अरे पगली, इन कपड़ों में भी तो तू दुल्हन ही लगती है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो मैं हर वक्त की दुल्हन लगती हूँ। अल्लाह करे आज तुम्हारे डैडी को मैं पसंद आ जाऊं। डैडी आओ। विक्की कहो क्या बात, ये लड़की कौन है? आपने पहचाना नहीं से? ये अपनी चौकीदार फजलू की बेटी शमा है। अच्छा अच्छा, सुना है फजलू बीमार था, आप कैसा है? जी डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं साहब, ठीक होते ही काम पे आ जाएंगे। नहीं नहीं उसे आराम करने दो। हाँ कुछ पैसों, इसे पैसों की जरूरत नहीं डैडी। अच्छा तो फिर ये यहाँ क्या लेने आई है? इसे मैं लेकर आया हूँ। मैं आपको आपकी बहू दिखाना चाहता था। मैं शमा से शादी करना चाहता हूँ डैडी। तुम एक मामूली चौकीदार की बेटी को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो? हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारी सोच इस कदर गिर जाएगी। शमा बहुत अच्छी लड़की है डैडी। चौकीदार की बेटी हमारे घर की नौकरानी बनकर तो अच्छी लग सकती है, हमारे खानदान की बहू बनकर नहीं। चली जाओ लड़की यहाँ से, ये सोच करके झोपड़ियों में रहने वाले महलों के ख्वाब नहीं देखा करते। झोपड़ियों में रहने वाले ही तो महलों के ख्वाब देखा करते हैं सेठ साहब। जो ख्वाब तुमने देखा है हम तुम्हारा वो ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। बताओ क्या कीमत लोगी हमारे बेटे के दिल से निकलने की? हमारे बेटे से मिलना छोड़ दो, इस घर के दरवाजे तुम पर कभी नहीं खुल सकते। जाओ और अपने घर के दरवाजों को बंद कर लो। हम तुम्हारे घर के दरवाजों के बाहर सोने की जंजीर लगाने की कसम खाते हैं, कार की शादी के बाद तुम उस जंजीर से अपने पांव की पाजेब भी बनवा सकती हो और माथे का झूमर भी।
शमा, शमा। बेवकूफ कहेगा, तारीकी को शमा कहकर पुकार रहा है। बाजू। जी सरकार। फौरन हमारा सामान पैक करो, हम आज ही वकार को शहर ले जाएंगे। चलो भाईजान, शहर चलते हैं, वहां हम दोनों मिलकर डैडी को मना लेंगे। यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? चलो गाड़ी में बैठो। नहीं डैडी, मैं शहर नहीं जाऊंगा। अब मैं सारी जिंदगी इन पहाड़ों पर गुजारूंगा, जहां मैंने शमा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया है। डकार, अपनी इस हिमाकत पर एक बार फिर सोच लो। सोच लो कि इन पहाड़ों पर सिर्फ पत्थर मिलते, मोती नहीं। पत्थर को जब मोहब्बत की तपिश मिलती है तो वो हीरा बन जाता है डैडी। तो फिर सुन लो, आज से हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। नहीं डैडी। मैं शमा से अपनी मोहब्बत का रिश्ता फिर भी नहीं तोड़ूंगा डैडी। तो फिर आज हम तुमसे अपने खून का रिश्ता तोड़ लेंगे। हम तुम्हें अपनी जायदाद से आग करते। मोहब्बत की दौलत मेरी जिंदगी के लिए काफी है डैडी। आओ बेटी, इस पत्थर को पहाड़ों पर ही पड़ा रहने दो, जमाने की ठोकरें इसे खुद तोड़ डालेंगी। नहीं डैडी, भैया, भैया। बाप की बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए छोटे सरकार। आइए, मैं आपके लिए चाय बनाऊं। सुना नहीं बख्शू, आज डैडी ने मुझे अपनी जायदाद से आग कर दिया है। अब डैडी की किसी चीज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आज के बाद मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, कभी नहीं। ये कदम उठाने से पहले सोच लो विक्की बाबू, कहीं तुम मेरा साथ छोड़ तो नहीं दोगे? जिंदगी के हर रास्ते पर मैं तेरे कदमों का निशान बनूंगा, और निशान मिट जाया करते हैं, अपनी जगह से हटते नहीं। आज ही मैं अपने तमाम रिश्ते तोड़कर तुझसे जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ने आया हूं। लेकिन विक्की बाबू, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सिर्फ ये बताओ, शादी करोगी मेरे साथ? शमा, ये दुनिया बड़ी संगदिल है, और हम अपनी इस खुशी में दुनिया वालों को शरीक नहीं करेंगे। तुम्हारा हुक्म मेरी इबादत है विक्की बाबू, जहां भी चाहे ले चलो, मेरी जुबान पर तुम्हारा ही नाम रहेगा। मुझे मौत तुम्हारे सीने पर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है? हम निकाह करना चाहते हैं, हमने मोहब्बत की है, लेकिन गुनाह नहीं करना चाहते। किसी सरपरस्त और गवाह के बगैर? हाँ, इसीलिए खुदा के दरवाजे पर आए हैं, किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं गए। अंदर आ जाओ, खुदा के दरवाजे से कोई मायूस नहीं जाया करता। मैं तुम्हें गुनाह से बचाने के लिए तुम्हारा सरपरस्त बन जाता हूँ। मस्जिद में चंद मुसाफिर ठहरे हुए हैं, उन्हें गवाह बनाकर तुम्हारा निकाह पढ़ा देता हूँ। मुबारक, मुबारक, मुबारक। तुम्हें मुबारक हो, और तुम्हें भी मुबारक हो। खैर मुबारक मौलवी साहब। अच्छा मौलवी साहब, हमें इजाजत दीजिए। खुदावंद ताला तुम दोनों पर अपनी रहमत की बारिश करे। जैसे शरबत अनार का है तन मन प्यासा प्यार का, है तन मन प्यासा प्यार।
शरबत अनार का, है तन मन प्यासा प्यार का, है तन मन प्यासा प्यार का, खटा लगे वे लगे मीठा लगे। शमा का कोई आशना गुल खिला रहा है। आ, जरा देखे तो। हमें क्या पड़ी है किसी के रंग में भंग डालने की? चल। अच्छा शमा, चलता हूं मैं। अरे पगली, तेरी आंखों में आंसू। अब तुम इस घर के मालिक तो बन गए हो, लेकिन खिड़की तक आ सकते हो, दरवाजे तक नहीं। कैसी किस्मत है अपनी। दरवाजे पर भी आऊंगा और बड़े जोरों शोर से आऊंगा बैंड बाजे लेकर, और फिर इस कमरे में तेरा घूंघट एक मर्तबा फिर उठाऊंगा। कल दोपहर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। मेरे बगैर खाना नहीं, इमली का अचार भी लाऊंगी। अरे खाना क्या, अब तो तेरे बगैर जीना भी नहीं। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हा हा बख्शू
जी आज खाने का क्या बंदोबस्त है? खुराक आज से बंद हो गई है जी। क्या मतलब? मतलब ये कि खान साहब और वकार साहब में झगड़ा हो गया, वकार साहब अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। मगर खान साहब तो अंदर होंगे। खान साहब सारे कमरों को ताले मार के शहर चले गए। तो क्या वो दोनों चले गए? जी हाँ, नाराजगी है ना। तुम कब जाओगे? जी अब क्या होगा? लगता है मामला गड़बड़ है। आशक आओ चलें। तो क्या आज रात हम भूखे रहेंगे? मजबूरी है जी। तुमने भी कोई बंदोबस्त नहीं किया? जी नहीं साहब। समझ में कुछ नहीं आता कि हम किधर जाएं, इधर जाएं या उधर जाएं। ये अचानक बाप बेटे में हरल पोपो गितपक्षलो किस्म का जो झगड़ा हुआ है, इसकी वजूहात क्या है? ये तो उसके मिलने पर पता चलेगा। तुम ऐसा करो, इस तरफ जाकर देखो। मैं इस तरफ देखता हूँ। मैं इधर जंगल में अकेला जाऊं? हाँ? अच्छा चलो, ये पिस्तौल मुझे दे दो। मेरा मतलब कि कहीं कोई खतरनाक किस्म की बात तो होती है ना। मेरा मतलब है कि हम चलो, पिस्तौल तुम रख लो। वकार का तो कोई पता नहीं चला। थक गया हूं, यहां बैठकर कैलूला कर लेता हूं। आए। तेंदे नाल चला तोरे। ओए ओए चल रहा कि तो आ गई है मैं। सुना तू अमरीका तू कदों आया? मैं तेरिया बहुत फिल्मा वेखिया ने, मैं तेरा बड़ा फैन हाँ। तू मेरी मन पसंद रिच है। अच्छा की हाल है तेरा? बाल बजे ठीक है? मैं तो इतने बस बता। तुम्हें मेरी तलाश थी ना? ये मेरी खुशकिस्मत है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इंस्पेक्टर शाहीन, यहां एक बार जो भी आ जाए उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में कोई आखिरी फैसला करूं,
मैं तुम्हें सोचने की मोहलत देता हूं। तुम अगर चाहो तो कानून की दी हुई बंदूक खामोशी से मेरे हाथ बेच सकते हो। कानून की दी हुई बंदूक मेरे पास वतन के करोड़ों लोगों की अमानत है और अमानत बेकार नहीं करती स्मगलर। तू अपने इस काले लिबादे की आड़ में हेरोइन का जो काला धंधा कर रहा है उससे बेशुमार घर उजड़ रहे हैं। तूने लाखों इंसानों को खून थूकते थूकते मर जाने पर मजबूर किया। कसम खुदा के मैं अपनी जिंदगी पेश कर भी तेरे लिए मौत जरूर खरीदूंगा। जंगली खरगोश की तरह पहली बार पिंजरे में आए हो इसलिए उछल रहे हो। इंस्पेक्टर मैं तुम्हें अपने दोजख की कैद में चंद रोज रखकर सोचने की मोहलत देता हूं। सोच लो, जन्नत की ख्वाहिश हो तो मुझसे समझौता कर लेना वरना मैं इसी दोजख में तुम्हारी कब्र बना दूंगा। ले जाओ। हेलो डॉक्टर। हेलो विकी, बैठो, कहो कैसे हो? फाइन थैंक यू। जाफर, जाफर विकी साहब आए हैं, कोई कॉफी वॉफी का इंतजाम करो। सर कॉफी तो दो दिन हुए खत्म हो चुकी है, चाय बना लेता हूं। चलें, हम चाय पी लेते हैं, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब मैं आज आपके पास एक दरखास्त लेकर आया हूं। ये तो आप जानते हैं कि मेरे बाप ने मुझे अपनी तमाम जायदाद से आग कर दिया है। हाँ मैंने सुना तो था कि बाप बेटे के दरमियान कोई इख्तिलाफ पैदा हो गया है। मैंने उस इख्तिलाफ को अपनी जिद बना लिया है। मैं बाप की दौलतमंदी के साए से निकलकर अपने बाजुओं के सहारे जिंदा रहना चाहता हूं। मैंने फैसला किया है डॉक्टर साहब कि मैं अपनी सारी जिंदगी इन पहाड़ों पर गुजार दूंगा और इस बात की परवाह किए बगैर कि आप मुझे क्या मुआवजा देंगे, मैं आपके डिस्पेंसरी में काम करना चाहता हूं। बहुत जज्बाती हो गए हो तुम विक्की। यह मामूली सी डिस्पेंसरी तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर के लिए बहुत छोटी है। विक्की तुम एक पढ़े लिखे हौसलामंद नौजवान हो, तुम्हें तो इन पहाड़ों के पार बहुत दूर तक देखना चाहिए। तो फिर क्या मैं मायूस लौट जाऊं? ऐसी कोई बात नहीं विक्की, मैं तुम्हें खत लिख देता हूं, तुम शहर चले जाओ, मेरा एक दोस्त तुम्हारा बेहतरीन मददगार साबित होगा। वो जब चाहेगा तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देगा। डॉक्टर साहब मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। विकी दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। नहीं नहीं विकी बाबू, मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। मेरा शहर जाना बहुत जरूरी है, वहां जाकर मैं पैसा कमाऊंगा, तेरे लिए बहुत सारे जेवर और कपड़े बनाऊंगा, फिर एक दिन सारे गांव के सामने तुझे अपनी दुल्हन बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे सपने न दिखाओ विक्की बाबू, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस तुम सामने रहो और कोई रहे या न रहे। अरे तू तो मेरे दिल में है पगली, और जो दिल में हो वो दूर कभी नहीं होता। मैं तो कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस लौट आऊंगा। चल अब मुस्कुरा और हंसते हुए मुझे खुदा हाफिज कह। खुदा हाफिज। मिस्टर विकार, तुम्हारे आने से पहले डॉक्टर नसीम ने मुझे फोन पर तुम्हारे मुताबिक सब कुछ बता दिया है। कैसे मिजाज? प्लीज सेट डाउन।
थैंक यू। ये खत था मिस्टर दिलावर। अब इसकी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर नसीम की सिफारिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। शरीफ जी, विकास साहब का टीजी केस ऊपर वाले गेस्ट रूम में रख दो। कमरा अच्छी तरह सेट कर दो। समझे? जी बहुत बेहतर। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर विकार। बस समझ लो तुम्हारा काम हो गया। अब थोड़ी देर के लिए जाकर आराम कर लो। हाँ जी बहुत बेहतर। गालिबन आप ही इस घर के मालिक हैं? ओह श्योर। फरमाइए क्या बात है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ देर पहले एक साहब पहाड़ से आपके पास आए हैं। जी जी वो तो मेरे गेस्ट मिस्टर विकार हैं। क्या आपको मुझसे कोई काम है? जी हाँ, मेरे पास आपके सामान की तलाशी का वारंट है। प्लीज अपना सामान चेक करा दें जो आप पहाड़ से लेकर आए हैं। नो प्रॉब्लम, आइए। थैंक यू। अच्छी तरह तलाशी ले लीजिए आप। मैं अपने साथ यही एक सूटकेस लाया हूं। मनुष्यात का कारोबार और नाजायज असलहा भी। तुम समझे थे कि हमें डॉज दे दोगे? यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कभी कोई जुर्म नहीं किया। मैं एक अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा नौजवान हूं। अक्सर तुम जैसे पढ़े लिखे मुजरिम ही अपने खानदान का नाम रोशन किया करते हैं। ले चलो इसे। मेरा यकीन कीजिए मिस्टर दिलावर, मैं बेकसूर हूं। शराब, अगर मुझे मालूम होता कि तुम नौकरी के बहाने यहां पहाड़ से स्मगलिंग करने आए हो तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर देता। ऐसे फौरन मेरे घर चले जाइए इंस्पेक्टर साहब। शराब आओ। इसने मुझे लाखों का नुकसान पहुंचाया था, तुमने इसे जेल पहुंचा दिया। थैंक यू। शुक्रिया की कौन सी बात है डॉक्टर नसीम, दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। मैं तेरा हमदर्द हूं शमा, पर तू है कि तुझे दोस्त और दुश्मन की पहचान ही नहीं। अरे पगली, ना ना, ये तेरे हाथों में मेहंदी सजाने का मौसम है और तू है कि इन हाथों पे छाले सजाए खड़ी है। कितनी नादान है तू, तेरे पांव में प्यार का सागर है और तू बूंद बूंद को तरस रही है। मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा जरूर है लेकिन जवानों से ज्यादा जोश है इस दिल में। शमा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरी बाहों में आ जा। मुंशी, मैं तुम्हारे मुंह पे थूकती हूँ, थूकती हूँ, थूकती हूँ। अरे 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 आओ भागो, देखो शमा को क्या हो गया। शमा को क्या हुआ मुंशी जी? अच्छा पता नहीं क्या हुआ, मैं तो इसकी मजदूरी का हिसाब कर रहा था, गिर पड़ी। मुंशी जी
शमा तो माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी माँ बनने वाली है? हाँ, उस बच्चे की माँ जिसके बाप का कोई पता नहीं। मुंशी, खुदा के लिए मुंशी, अपने दिल की स्याही मेरी बेटी के नसीबों पर ना लगा। वो मर सकती है, मिट सकती है, भटक नहीं सकती। आए, भटक नहीं सकती, कहीं अटक तो सकती है फजलू। मेरी जबान ही नहीं, तुम्हारी बेटी का बदन इस बात की गवाही देगा कि वो एक नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली है। मुंशी, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा बुड्ढे। अभी भी वक्त है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। मैं उसका गुना अपने खाते में लिख लूंगा। इस तरह तेरी इज्जत भी बच जाएगी और उसकी जिंदगी भी। मैं कहता हूँ जाते चला जा, वरना मेरे हाथों की पूरी हड्डियां तेरे गले का फंदा बन जाएगी। जा रहा हूँ बुड्ढे, मगर इतना याद रखना, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये बात पंचायत तक भी पहुंच सकती है। और फिर ये तेरी इज्जत गली गली रुसवा होगी। और मैं ये तुम्हारी बेटी का कारनामा अखबारों में खुद छपवाऊंगा। ऐसी जलील हरकत करने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आ गई वकार? क्या हुआ डैडी, क्या लिखा है अखबार में? तेरे भाई ने मेरे खानदान का खूब नाम रोशन किया है, मेरी इज्जत शोहरत मर्तबे को खाक में मिला दिया है। भाई अखबार को हीरोइन स्मगल करने के जुर्म में पकड़ा गया है। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी, भाईजान इतनी जलील हरकत कभी नहीं कर सकते। हीरोइन की तिजारत आज की दुनिया का बहुत बड़ा लालच है, जिसकी ख्वाहिश अक्सर बड़े लोगों के दिल ही में पैदा होती है। मगर मैंने तो वेकार की तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज उसे सलाखों के पीछे देखकर तेरी माँ की रूह कांप उठी होगी। ये माँ बनने वाली है, पूछो इससे ये किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। हाँ, इसकी कोख में पलने वाले पाप का बाप कौन है? मलिक साहब, पूरी बस्ती की बहनों और बेटियों के सर झुका दिए है इसने। बता लड़की, तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? कौन किस बाप की औलाद है, ये सवाल तो किसी माँ से कयामत के दिन खुदा भी नहीं पूछेगा। आज कयामत का दिन भी नहीं है, ये हश्र का मैदान भी नहीं है, फिर तुम कौन हो जो किसी माँ से उसके बच्चे के बाप का नाम पूछ रहे हो? मैं मुंसिफ हूँ लड़की। क्या तुम्हारी कोई बेटी है? नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं। तुम्हारी कोई बेटी नहीं जिस पर खुदा की रहमत ना हो, और मुंसिफ कभी नहीं हो सकता। मैं इस पंचायत का मुंसिफ हूँ लड़की, मैं जो भी फैसला करूंगा इस बस्ती वालों को मानना होगा। बता रमदू, तूने क्या देखा? चौधरी जी, एक रात मैं और मेरी बीवी ने देखा, फजलू के घर वाली गली में शमा एक मर्द के साथ खड़ी थी। कौन था वो? जी, अंधेरे की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है चौधरी जी। उस आदमी ने शमा को अपने सीने से लगाकर खिड़की के रास्ते अंदर जाने दिया। बता लड़की, वो अजनबी कौन था? मेरा मिजाजी खुदा, जिसके साथ मैंने शादी की है, और शादी करना कोई गुनाह नहीं। सुन रहा है फजलू, तेरी बेटी क्या कह रही है? सुन चुका हूँ चौधरी, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। इसका निकाह नूरी मस्जिद के इमाम ने पढ़ाया था, और चिनार हिल से आने वाले दो मुसाफिर गवाह थे। इसका निकाह पढ़ाया था नूरी मस्जिद के इमाम ने, जो ये बस्ती छोड़कर जा चुके हैं, और गवाह थे दो मुसाफिर। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसका आशना भी कोई मुसाफिर ही था, जो एक रात के लिए ठहरा और चला गया। ऐसे छुपकर तो कोई साजिश नहीं करता जैसे ये शादी हो गई है। कैसी शादी थी ये? ना बस्ती वाले शरीक हुए, ना सेहरा बना, ना कोई शहनाई गूंजी। इतनी दूर तक तो चहनाई की आवाज भी नहीं जाती मुंशी, जितनी दूर तक तुम लोगों ने मेरी रुसवाई पहुंचा दी है। लड़की, तुमने सिर्फ अपनी बेगुनाही के बहाने बनाए हैं, कोई सबूत नहीं दिया। मेरा फैसला ये है कि तुम दोनों बाप बेटी इस बस्ती को छोड़कर इसी वक्त चले जाओ। तुमने ये फैसला मुंशी बनकर नहीं,
जल्लाद बनकर किया है चौधरी, बकवास बनकर बूढ़े। इतना जुल्म ना कर चौधरी, हम तो ये बस्ती छोड़कर चले ही जाएंगे, लेकिन जिन बस्तियों में मजलूमों को पनाह नहीं मिलती वो बस्तियां गिर जाती हैं। जिस जमीन पर बेगुनाह के आंसू गिरते हैं वहां खुदा का कहर बरसता है। चौधरी, तुमने फिरौन बनकर मेरी बेटी पर जो इल्जाम लगाया है, खुदा की कसम, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ। मारी की इतनी कहानी है, उस बेचारी का बाप बीमारी से मर गया, घर वाले का पता नहीं कहां चला गया, और फिर उस बेचारी का पांव भारी है। आप हमारे माई बाप है, जो हुक्म देंगे हम वही करेंगे। रहमदीन, तुम ऐसे करो, ये घर हमारा बिल्कुल खाली पड़ा है, ये उस लड़की को रहने को दे दो, और जन्नते तुम उसका हर तरह से ख्याल रखना, जिस चीज की भी जरूरत हो तुम रहमदीन के हाथ करवा भेजना, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। सिगरेट है? थैंक यू। तुम्हारे पास माचिस है? ये जरा सिगरेट सुलगाना। थैंक यू। चल चल रे नौजवान, ये सैंपल ले जाओ और जाकर चीफ को दिखाओ। ओके बॉस। मैं बॉस नहीं, शेरिफ हूं। मुझे तो पागल लगते हो। तुमने कुछ पी तो नहीं ली? जाओ, जल्दी जाओ।
तुम्हें चीफ ने बुलाया है। रंगीला जासूस आशिक। हाँ, जासूसी करने के लिए तुम्हें मेरी शागिर्दी करनी पड़ेगी। पहनो ये मास्क और चल मेरे नाल। आशिक, हमें फौरन यहां पुलिस फोर्स लेकर आनी चाहिए। ठीक है, आओ। चारों तरफ से घेर लो, जो भी मिले उसे गिरफ्तार कर लो। ओए आओ मेरे नाल। सर, यहां तो कोई नहीं है। मैंने तहखाने का चप्पा चप्पा छाल मारा। मेरा ख्याल है कि मुजरिम फरार हो गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए सर? सिर्फ रेस्ट। मैं तो रेस्ट करता हूं, थक गया हूं। तुम लोग ढूंढो। टीका किने ला देता है मैनू? और किधरे मारफिया का टीका तो नहीं? Thank you.
यकीन क्यों नहीं आता? डिस्पेंसरी में खुफिया दरवाजे और तहखाने की मौजूदगी से साफ जाहिर है कि डॉक्टर जो दिखाई देता है असल में वो नहीं है। नहीं नहीं, हो सकता है ये आपका वहम हो सर। मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर का मुजरिमों के गिरोह से जरूर कोई ताल्लुक है। अगर ऐसा हो भी तब भी हम बगैर किसी सबूत के डॉक्टर पे हाथ नहीं डाल सकते सर। ठीक है, सबूत मैं तलाश करूंगा। मैं कानून के सामने ये साबित कर दूंगा कि डॉक्टर ही सबसे बड़ा मुजरिम है। हाँ, मैं डॉक्टर का दिया हुआ खत लेकर उसके दोस्त दिलावर के पास आया था। मेरे पहुंचने के थोड़ी देर बाद दिलावर के घर में पुलिस ने आकर मेरे अटैची केस से असलहा और हीरोइन बरामद कर लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि डॉक्टर या दिलावर को मेरे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया है वकार। मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें रिहा कराऊंगा। मैं डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींचकर यह साबित कर दूंगा कि वही सबसे बड़ा मुजरिम है। मुजरिम बेटे की वकालत करने आए हो? कोई बात नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारी। बाप की अदालत में मैं वकील बनकर नहीं वकार का दोस्त बनकर आया हूं अंकल। मेरी बात का यकीन कीजिए, असली मुजरिम दिलावर जो मुल्क से बाहर जा चुका है, जिस दिन वतन वापस पहुंचा वकार उसी दिन बाइज्जत रिहा हो जाएगा। डैडी, आपने भाईजान को जायदाद से आफ कर दिया। मैं खामोश रही। आपने भाईजान को अदालत में बचाने के बजाय अपनी दौलत को बचाया। मेरी जुबान बंद रही। आपने अपनी इज्जत का भरम रखा और मेरे भाई को सजा हो गई। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी डैडी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दौलत हर चीज से महंगी हो सकती है, लेकिन खून से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। आप पत्थर के बन गए तो बने रहे। मैं अपने भाई से मिलने जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। चौधरी जी, शमा ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। जुड़वा बच्चों को? हाँ चौधरी जी, एक लड़का और एक लड़की। एक लड़की मिलने आई है तुम्हें? लड़की मिलने आई है? हाँ, चलो चलकर मुलाकात कर लो। भाईजान। अरे पगली, तू रो क्यों रही है? मुझे तेरे नांसुओं की कसम, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। तो फिर आपको सजा क्यों होगी? इस दुनिया में सजा काटने के लिए गुनाहगार होना कोई जरूरी नहीं। कानून की दी हुई सजा तो मैं काट ही लूंगा बुशरा, मगर दुख की बात तो यह है कि मेरे साथ साथ एक मासूम जिंदगी भी सजा काट रही है। ये लो शमा बहन, तुम्हारे बच्चों का दूध और ये तुम्हारे खाने को। अरे पगली, तू फिर रोने लगी? शमा बहन, हिम्मत से काम लो। अब तुम्हारी अकेली जान नहीं रही, तो बच्चों का साथ है। यही सोचकर तो आंख भर आई है जन्नत बहन। मैं इन दो नन्ही जानों के साथ कब तक तुम लोगों पर बोझ बनी रहूंगी? अरे बोझ कैसा, इंसान ही इंसान का दारू होता है। फिर भी मैं कोई मेहनत मजदूरी करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, तू फिक्र ना कर, मैं इसका भी बंदोबस्त कर दूंगी। चौधरानी से कह के उसके घर में तुझे कोई काम दिलवा दो, ठीक है? अच्छा, मैं चलती हूँ। Thank you.
दवाई से जरा आराम नहीं आया, उसे किसी डॉक्टर को दिखा दो ना। जिस घर को फाको ने घेरा हो वहां डॉक्टर नहीं आते से वो बेटी, मैं हकीम से कह के दवाई बदलवा दूंगी। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है अम्मी। जानती हूँ मैं, पता है मुझे। जा तू भाई के पास बैठ, मैं चौधरी के घर काम पे जा रही हूँ, कुछ लेती आऊंगी। फैसल, अच्छे बच्चे बीमारी में रोते नहीं, मैं तुम्हें दवाई पिला देती हूँ, तुम सो जाओ। Thank you.
को जेल भिजवा दिया था, अमेरिका से वापस आ गया है और अब मैं उसे कानून के सामने बेनकाब कर दूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। सर, एक मेम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? भेज दो उसे। जी अच्छा। मिस्टर दिलावर, आप ही का नाम है? यस ऑफ कोर्स। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। फरमाइए, आपको मुझसे कौन सा काम है? मेरा नाम रीटा है, मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे मिस्टर डैन ने भेजा है। मिस्टर डीन? इसका मतलब है आप अपने साथ यहाँ से अमेरिका कुछ ले जाना चाहती हैं? ओह यस, 2 किलो हेरोइन। आपने कौन से होटल में स्टे किया है? होटल गार्डन, रूम नंबर 101। ठीक है, मैं आज रात किसी वक्त भी आपके पास आ जाऊंगा। ओके। अब मैं चलती हूँ। बाय 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 बाय। इस नंबर से अमेरिका के लिए जो भी कॉल बुक होगी, अमेरिका की बात इस नंबर से नहीं करवानी, इस नंबर से बात मैं खुद करूंगा। जी बेहतर। हेलो 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 हेलो, अमेरिका बात कीजिए। हेलो हेलो, कौन? मिस्टर डीन। हाँ, मैं दिलावर बोल रहा हूँ। अमेरिका से डीन बोल रहा हूँ। मिस्टर दिलावर, रीटा को मैंने भेजा है, उसका काम कर दो। अरे आपने तो कहा था मैं जॉन को भेजूंगा। हेलो 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 हेलो, दिलावर। ओह दिलावर, वेलकम। सॉरी मैं इधर लेट हो गया। कोई बात नहीं, आपने रात का वक्त दिया था और रात अभी बहुत बाकी है। अपने साथ कुछ लाए नहीं? नहीं, मेरा आदमी रात किसी वक्त भी आकर तुम्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की 2 किलो हेरोइन दे जाएगा। अच्छा, ये समझाए कि आप पेमेंट डॉलर्स में करेंगी या पाउंड्स में? मैं हेरोइन लेकर उसे हीरे दे दूंगी। गुड, अच्छा मैं चलता हूँ। आज आप कहीं नहीं जाएंगे, आज रात आप मेरे मेहमान होंगे। Darling.
माल पूरा 2 किलो होना चाहिए। बात मैं तोल के लाया हूं। गुड डार्लिंग, इससे हीरोइन लेकर हीरो की शक्ल में पेमेंट कर दो। पेमेंट आज मैं तुमको करूंगा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें अपना तारुफ उस वक्त कराऊंगा जब तुम अदालत में खड़े होकर ये कहोगे कि विकार बेगुनाह है। खबरदार, ज्यादा होशियारी दिखाई तो जान से हाथ धो बैठोगे। गिरफ्तार कर लो इन्हें। थैंक यू बुशा, आज तुमने कानून की बड़ी मदद की है। यू टू? यस वी टू। भाईजान, तुम्हारी कोशिश से विकार को रिहाई मिली है शाइन बेटे। हम तुम्हारे एहसान का बदला बहुत जल्द चुका देंगे। ये तो मेरी दोस्ती का फर्स्ट अंकल। चलो बेटा घर चले। नहीं डैडी, मैं घर नहीं जाऊंगा। फिर कहां जाओगे बेटा? मेरी सजा तो खत्म हो गई, लेकिन यहां से बहुत दूर कोई मेरे इंतजार में बैठा सजा काट रहा है। उसे आजाद करा के बहुत जल्द वापस लौटाऊंगा। गजब खुदा का कितना बड़ा जुर्म हुआ है। क्या हुआ चौधरी जी? एक शख्स जिसने कोई जुर्म नहीं किया था 11 साल तक सजा काटता रहा। कितनी मासूम सूरत है इस बेचारे की। चौधरी जी, ये फोटो तो। क्या बात है बेटी, कौन है ये? यही मेरे बच्चों का बाप है, यही मेरा शौहर है, यही मेरा विक्की बाबू है चौधरी जी। शुक्र है खुदा का, तेरे शौहर का पता चल गया। तू फिक्र ना कर बेटी, मैं मशरक अखबार के दफ्तर में टेलीफोन करके तेरे विक्की बाबू का पता मालूम कर लूंगा। फिर तुम अपने बच्चों को साथ लेकर अपने शौहर के पास चली जाना। कल सुबह पुलिस दिलावर को दीनापुर से लेकर बाड़ा जेल में ट्रांसफर कर रही है। दिलावर को रास्ते ही में आजाद करा लिया जाएगा। प्रोग्राम के मुताबिक सुबह 10 बजे पुलिस वाले दिलावर को लेकर रवाना होंगे। ठीक उसी वक्त पाड़ा से दीनापुर के लिए पहली बस चलेगी। पुलिस की जीप और मुसाफिर बस का क्रॉस आला मोड पर होगा। मुझे क्या करना होगा सर? तुम्हें सिर्फ यह करना है कि तुम धमाका करने वाले ग्रुप के कमांडर को मेरा यह पैगाम फौरी तौर पर पहुंचा दो कि वो मुसाफिर बस में टाइम बम फिट कर दे और ठीक 3 बजे पर फिक्स कर दे। जो ही पुलिस की जीप और मुसाफिर बस का क्रॉस होगा, बस से एक धमाके से उड़ जाएगी, अफरा तफरी पैदा होगी।
और ये वो वक्त होगा जब पुलिस की जीप में बैठे हुए दिलावर को फरार होने का मौका मिल जाएगा। जा बेटी शमा, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। ये पता संभाल कर रखना, शहर पहुंचकर किसी टैक्सी वाले को ये पता दिखा देना, वो तुम्हें विक्की बाबू के घर छोड़ देगा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी चौधरी जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो बच्चों। खुदा हाफिज। मुजरम फरार हो गया। ओह शमा, डॉक्टर साहब आप इसे जानते हैं? हाँ हाँ, इसे जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ, इसका ऑपरेशन मैं खुद करूंगा। डॉक्टर साहब, देबू आंखें क्यों नहीं खोलती? डॉक्टर साहब घबराओ नहीं बेटे, ये बेहोश है, जल्दी होश में आ जाएगी। शमा का बाप मर गया और बस्ती वालों ने शमा को बस्ती से निकाल दिया। इतना बड़ा जुल्म किया बस्ती वालों ने, क्या कसूर था उसका, क्या जुर्म किया था उसने? जुर्म तो तुम्हारे इस मुंशी ने किया था, इस कमीने ने शमा पर इल्जाम लगाया था कि उसके पेट में हराम का बच्चा है। अगर गांव वालों को पता चल जाता कि उस बच्चे के बाप तुम हो, तो वो कभी भी शमा को इस गांव से ना निकालते। अब मैं शमा को कहां तलाश करूंगा? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ये तो एक मुजजा था कि तुम्हारी जान बच गई, वरना हादसा इतना शदीद था कि बहुत कम लोग जिंदा बच सके। तुम्हारे सर पर तो मामूली सी चोट है, तुम्हें फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं है शमा। शमा, मेरा नाम शमा है, तुम कौन हो? मैं डॉक्टर नसीम हूं, तुम्हारे गांव में मेरी डिस्पेंसरी थी, तुम्हारे बाबा का मैंने इलाज किया था। बाबा, इलाज? मेरा ख्याल है कि ये अपनी याददाश्त खो चुकी है, इसकी ब्रेन स्कैनिंग करनी पड़ेगी सर। इसकी जरूरत नहीं,
तुम इसे मेरे घर शिफ्ट करवा दो, इसका इलाज मैं खुद करूंगा। तुम्हारी बहन का इलाज हो चुका है बेटे, अब तुम इसे ले जा सकते हो। हमारी माँ का कुछ पता चला डॉक्टर साहब? नहीं बेटे, तुम्हारी माँ का नाम ना मरने वालों की लिस्ट में है और ना जख्मियों की लिस्ट में। तो फिर कहाँ गई हमारी माँ डॉक्टर साहब? बेटे इसी शहर में ढूंढो, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। आओ देवू, हम दोनों मिलकर माँ को ढूंढते हैं। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये घर किसका घर है? ये घर तुम्हारा अपना है शमा, तुम इस घर की मालकिन हो। दबाव पर चोट लग जाने की वजह से आप सब कुछ भूल गई है। दरअसल आपकी और डॉक्टर साहब की शादी होने वाली थी कि अचानक आपका एक्सीडेंट हो गया और ये शादी रुक गई। लेकिन अब हम ये शादी बहुत धूमधाम से मनाएंगे शरफ। क्यों शमा, मैंने ठीक कहा ना? जी जी ठीक है शेरफ। मेरा ख्याल है कि शमा को अब आराम की जरूरत है, तुम इसे इसके बेडरूम तक पहुंचा। जी बहुत बेहतर, आइए। भाईजान, कुछ पता चला शमा भाभी का? नहीं बुशरा, मैंने पहाड़ से लेकर शहर का कोना कोना छान मारा, कोई खबर नहीं मिली उसकी। मायूस होना गुनाह है बेटे, खुदा की राह में खैरात तकसीम करने और जरूरतमंदों की हाजत पूरी करने से बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाती, बहुत से बिछड़े हुए मिल जाते हैं। बुशरा बेटी, बेवाओं यतीमों में खैरात तकसीम करो और भूखों को खाना खिलाओ। बेबू मुझे बहुत सख्त भूख लगी है, कहीं से एक रोटी ला दो। फैसल भैया, शहर में तो पैसे के बगैर कुछ नहीं मिलता, हमारे पास तो कोई पैसा भी नहीं है। बच्चों, सामने कोठी में न्याज बट रही है, जाओ जाकर तुम भी ले लो। आओ भैया आओ, आओ आओ, लो चलो बाबा जी, आओ आओ आओ, ये लो थोड़ा सा। आजा आजा आजा, क्या बात है, आहा अच्छे बच्चे हैं, शाबाश तो अब लो चलो चलो आ चलो आओ बेटा आओ। बच्चों, कोई बर्तन नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, बस खाली दामन है हमारे पास। अच्छा, तो दामन ही फैला दो। दुआ मांगना बच्चों, हमारे बेटे को हमारी गुमशुदा बहू मिल जाए। बच्चों की दुआ खुदा बहुत जल्द सुनता है। खुदा आपके बेटे को हमेशा सलामत रखे। शाबाश। और आपकी बहू इस घर में जल्दी वापस आ जाए। अरे बेटा, ये न्यास के चावल झोली में क्यों डाले हैं? किसी बर्तन में डाल लेने थे। हमारे पास बर्तन नहीं है बाबूजी। अरे ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ बेटी? चोट लग गई बाबूजी। ये लो बेटा, ये रख लो, अपना इलाज करवा लेना। हम भीख नहीं मांगते बाबूजी, खुदा आपको सलामत रखे। चलो फैसल, माँ को ढूंढने चले। अच्छा वकार, अब मैं चलता हूँ, तुम अस्पताल जाकर जरूर मालूम कर लेना। मुझे शुभ है कि जिस बस में धमाका हुआ था शमा उसी बस में सवार थी। नहीं दोस्त, खुदा करे शमा जिंदा हो। तुम जो कुछ डॉक्टर नसीम के बारे में कह रहे हो, यकीन से कह रहे हो? जी हाँ, डॉक्टर के बारे में मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता सर। मैं जो कह रहा हूँ बहुत जल्द उसका सबूत भी पेश कर दूंगा। हाँ शाहीन, सबूत के बगैर डॉक्टर पे हाथ डालना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। आई नो सर, बिलावर ने वकार पर झूठा मुकदमा बनाकर वकार को जेल भिजवा दिया। बिलावर के फरार ने मामले को थोड़ा सा उलझा दिया है,
मैं उसके पीछे हूँ, जो ही दिलावर तक मेरा हाथ पहुँचा सब चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। वो जेडी इंस्पेक्टर हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गया है चीफ। फिक्र न करो, उसके हाथ हम तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएंगे। मैं शमा से शादी करके उसको साथ लेकर अमेरिका चला जाऊंगा, तुम भी हमारे साथ चलो। ओके सर। और हमें ढूंढने वाले यहां ठोकरे खाते रह जाएंगे। आओ आओ शमा, शॉपिंग के लिए चले। जी चले। हाँ हाँ आओ। आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गए अम्मी। अम्मी मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूं। अम्मी ये क्या कह रही है अम्मी? मैं सच कह रही हूं बेटी। ये रख लो। तू रो क्यों रही है? अम्मी गाड़ी में बैठ के अम्मी आंटी उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। वो किसी और की माँ होगी देबू, हमारी माँ होती तो हमें छोड़कर कभी ना जाती। क्या नाम बताया आपने? शमा। जी जी। एक शमा तो डॉक्टर नसीम के घर में है जो पिछले महीने डिस्चार्ज हो गई। डॉक्टर नसीम? देखिए कहीं ये तो वो शमा नहीं, ये तस्वीर देखें। जी हाँ यही वो शमा है, लेकिन आज इनकी शादी तो डॉक्टर नसीम से हो रही है। शादी? पैसे सामने कोठी में शादी हो रही है। शादी हो रही है तो होने दे, तू क्यों रो रही है? शादी हमारी अम्मी की हो रही है। अम्मी की शादी हो रही है? दुल्हन ने हाँ कह दी है मौलवी साहब, आप जाके निकाह शुरू कीजिए। ठहरो मौलवी साहब, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों बेटे, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? तुम कौन हो? मैं बेटा हूँ इसका, ये माँ है मेरी। होने वाला कुवत, ये क्या मजाक है? तुमने एक माँ को दुल्हन बना दिया है, मैं ये निकाह नहीं पढ़ा सकता। ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं मौलवी साहब, शमा इन बच्चों की माँ नहीं है। शमा की तो अभी तक शादी नहीं हुई। हम सच कह रहे हैं मौलवी साहब, ये हमारी माँ है। तुम बताओ बेटी सच बात क्या है? मैं इनकी माँ नहीं हूँ मौलवी साहब, मैं डॉक्टर नसीम की मंगेतर हूँ। इनकी माँ कोई और होगी, ये बच्चे भूल गए हैं। भूल तो तुम गए हो अम्मी, क्या क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? मुझे भी भूल गई अम्मी, क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं? बकवास बंद करो और तुम हो जाओ यहाँ से। तुम जरूर हमारे किसी दुश्मन की साजिश बनकर आए हो। हसन हसन ले जाओ इसको और घसीटते हुए कोठी से बाहर फेंक दो। अम्मी, अम्मी, ले जाओ। अम्मी, अम्मी, छोड़ दो, छोड़ दो, अम्मी, छोड़ दो, अम्मी, 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 बिस्मिल्लाह कीजिए मौलवी साहब। Thank you.
खुदा कि आपकी याददाश्त वापस आ गई। चलिए वकार भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है मेरा विजय? आइए चलो आइए। डॉक्टर नसीम कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बताओ बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे नहीं मालूम। इन्हें मारने का कोई फायदा नहीं है बकार। मैंने उस बहरूपिये के तमाम ठिकानों का पता लगा लिया। आओ मेरे साथ।
मेरे बच्चों को छोड़ दे, इन मासूमों पर रहम कर, मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी ममता पर जुल्म ना कर। छोड़ दूंगा तेरे बच्चों को, लेकिन पहले तुझे डॉक्टर नसीम से शादी करनी होगी। नहीं, मैं माँ हूँ, मर कर कफन तो पहन सकती हूँ, लेकिन दुल्हन का जोड़ा नहीं। मुझे अपनी बात का जवाब चाहिए, बोलो शादी या मौत। बेरुखिए, जिसका मजाजी खुदा जिंदा हो वो किसी और से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम जाकर बच्चों को संभालो शमा, जल्दी जल्दी। नजदीक नहीं जाना, ये तुम्हें बीमार डालेगा। आज देखना ये है कि खुदा ने मां को ज्यादा ताकत दी है या किसी शैतान को। Thank you.
सर, यही मनहूस चेहरा जिसे बेनकाब करना मेरा मिशन था। इसने डॉक्टर के मजज पेशे को बदनाम भी किया है और हीरोइन का ताजर बनके पूरे कौम से दुश्मनी भी की है। यह कातिल है इंसानियत का सर। मैं तुम्हें इस मिशन की मुबारकबाद देता हूं शाहिद। ले जाओ इसे। भाभी, भाभी, आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। आओ घर चले। नहीं, ये हमारे घर नहीं जाएगी। डैडी, शायद अब ये हमारे घर में दुल्हन बनकर जाएगी।